ये दांत को भी खोल के निकाल लेंगे। इसमें कुछ खराबी भी है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आवाज आ रही है हल्का खट सी ना, इस सुई में ये पॉइंट लग रही है, ये पॉइंट सुई में लग रही है। अब गौर कीजिए, क्योंकि मोबाइल का लाइट चालू करते हैं क्योंकि अंदर का हिस्सा अंधेरा दिख रही है। ये देखिए ये देखिए सुई को हिला दे रही है, सुई को इस तरह हिलाए तो धागा तोड़ेगी भी, अटाका भी छोड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको ये दाब को खोलते हैं। सुई खड़सिन आवाज आ रही है। तो सबसे पहले हम ये शटल का ये बोल्ट खोलेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे इसको, ये बोल्ट को इस तरह खोलेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये जो शटल है, ये जो शटल है हम थोड़ा अंदर करेंगे इसको। अब देखेंगे अभी तो इसका सेंटर ही आउट हो गई है। ये जो बोल्ट देख रहे हैं, ये सामने का बोल्ट, ये वाला बोल्ट, दो बोल्ट है, एक क्रॉस में है, एक यहाँ है थोड़ा नीचे है। तो दोनों को एक जैसा कर लेंगे और सुई को थोड़ा सा यहाँ ये बोल्ट के पास रख के थोड़ा सा, हाँ अब इसको हम ये चक्की भी चलाएंगे, जैसे शटर को थोड़ा थोड़ा फिराएंगे चक्की चलाएंगे। तो ये जो उठते समय है ना, ये बोल्ट के पास ये सुई उठते समय आ जाए, यहाँ तक आ जाए। हाँ अब इतना पे हम इसको टाइट कर लेंगे, एक ही बोल्ट टाइट करेंगे। अब इसको नचा के देखेंगे, ये देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ पे सुई का घाट रहता है, घाट में मिल के जाएगा, घाट मतलब घाट से होके जाएगा ये, ताकि जो धागा का बिनाई है ना, यहाँ से धागा फंसा लेगी तो बिनाई चालू हो जाएगी। और फिर यहाँ ये बोल्ट तक आते हुए सुई उठ जाएगी, यही मेन है मिलाने का इसका तरीका। अब इसको एक ही बोल्ट टाइट करके सिलाई मार के देखेंगे। ये दांत का भी सेटिंग सही नहीं है,
एक तभी भी सिलाई करके देखेंगे। शायद बॉबी नहीं लगाया। अभी भी धागा तोड़ दे रही है। अब निकलिए, यानी कहीं पे तो रुक रही है धागा। ये देखिए, अभी इसको हम दाब उठा के चलाएंगे। अब इसको जैसे एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना, इसको गोल गोल चलाएंगे। अगर मशीन के अंदर कुछ ख़राबी होगी तो टाँका कहीं पे छोड़ देगी। देखिए टाँका भी नहीं छोड़ रही है ऐसे। अब धागा तोड़िए, अब ये गौर से देखिए। जैसे एम्ब्रॉयडरी में हम करते हैं ना, एम्ब्रॉयडरी जैसे होता है उस तरह गोल गोल सिलाइए। यानी इससे ये पहचान में आ सकता है कि अगर मोटा पे या कहीं पे या पैकेट लगा रहे हैं कहीं पे, कहीं कहीं पे टाँका छोड़ देती है। अगर ऐसा सिलाई दिया तो आपका टाँका कहीं पे भी नहीं छोड़ेगी। और अगर दाब उठा के चलाए ऐसा दम सिलाई दिया तो सही है। अगर ऐसा सिलाई नहीं दिया, टाँका छोड़ के सिलाई दिया, यहाँ पकड़ा यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पकड़ा यहाँ छोड़ दिया, समझ लीजिए मशीन का सेटिंग आउट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई भी सवाल है कमेंट करके हमें बताएं।